ये लम्हे फिक्रिया है तमाम कौम के लिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें एम्पावर्ड वेमन चाहिए, हमें पढ़ी लिखी माँ चाहिए, पढ़ी लिखी बहन चाहिए, और दूसरी तरफ जब आप उनको बरना पा सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, तो आप कौन से मुल्क की हुकूमत या रियासत चला रहे हैं और आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये किस किस्म का पाकिस्तान है? ये मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान है, ये लामा इकबाल का पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीसफुल डेमोक्रेटिक जमात आप उसको प्रोटेस्ट करने नहीं देते, आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, आप उसके ऊपर शेलिंग करते हैं। इसराइली प्रेसिडेंट ने ये दावा किया है कि जो नई हुकूमत आई है उसके साथ वो इन टॉक्स हैं और बहुत बहुत जल्द ये हुकूमत इसराइल की हैसियत को तस्लीम कर लेगी। From the Islamabad studios of Bo Network, it's time for Jamil Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आजादी मार्च सीजन टू की तैयारियां, पहले आजादी मार्च के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे सवाल हैं जो आज भी जवाब तलब हैं। निहत्थी ख्वातीन, बच्चों, सहाफियों समेत पाकिस्तान के शहरियों के ऊपर आंसू गैस के शेल फायर करना, ओपन फायर करना, और मर्दों की जानिब से ख्वातीन कारकुनान को मिस हैंडल करना, ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है रियासती रिट के ऊपर और हुकूमती मिसहैंडलिंग के ऊपर। और इसके ऊपर अगर कोई डटा हुआ है तो फिर सवाल किससे किया जाए। और सवाल ये भी बनता है कि अब अगर खान साहब एहतजाज की इजाज़त के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं तो क्या उनको वाकईतन इजाज़त मिल जाएगी या उनको रोक दिया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये कि ज़मीनी इंतखाबात की बाजगश्त है, इलेक्शन कमीशन को ये कहा जा रहा है कि आप जो लोग डी सीट हो रहे हैं या जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया है उनके इस्तीफे कबूल करने के बाद फर्दन ज़मीनी इंतखाबात कराए जाएं। एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि उन्हें फौरन इलेक्शन की डेट चाहिए, यानी आम इंतखाबात की डेट चाहिए, जबकि दूसरी जानब यह बात चल रही है कि फर्दन ज़मीनी इंतखाबात कराए जाएं, तो इससे हुकूमत का कहीं से भी ये इरादा नहीं लगता कि वो जल्दी में है या फिर हुकूमत छोड़ने की पोजिशन में है। इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल होगा वो हमारे स्टेक होल्डर से होगा कि आया वो स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन के अंदर चाह रहे हैं कि इंतखाबात की जानब जाया जाए या इसी गवर्नमेंट को एक साल या एक साल से ज्यादा की जितनी मुद्दत है वो मुकम्मल कर लेने दी जाए। एजेंडा ऑन नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #आजादी मार्च। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज पर मुलाहजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मौजूद मेहमान में शामिल हैं मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहिबा, साबिक वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीजन पॉलिटिशियन। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं कादिर मंदोखेल साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पीपल्स पार्टी के। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हैं अहमद जवाद साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। और जनाब डॉक्टर फरीद पराचा साहब, आप नायब अमीर हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के। मैं साबिक वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर खातून रहनुमा जरताज गुल वजीर साहिबा को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। आप तशरीफ लाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, ये जो 25 मई को हुआ आप लोगों के साथ, ये क्या सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स नहीं था कि ख्वातीन, बच्चों और सहाफ़ियों के ये देखे बगैर कि वो किस जेंडर से हैं, किस एरिया से हैं, कहाँ पर मौजूद हैं, उनके स्ट्रेट शेल फायर किए गए? थैंक यू जमील, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। 25 मई से 20 घंटे तक कौम ने यह देखा कि जो रियासी दहशतगर्दी हुई, जिस तरीके से बरबरीत हुई, जिस तरीके से जुल्म हुए, साबित हो गया कि इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो जुल्म के ऊपर पलती है, गुंडागर्दी के ऊपर पलती है, दहशतगर्दी के ऊपर पलती है। इनके मुंह को खून लगा हुआ है, ये कत्लो गारत चाहते हैं, कत्लो गारत इनका खासा है। वो मनाजिर जो इस कौम ने कभी भी नहीं देखे थे वो दुनिया ने देखे है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की गई, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियाँ चलाई गई, ऐसी शेलिंग की गई कि किसी को सांस नहीं आता था, किसी को दिखाई कुछ नहीं देता था, बेहुरमती की गई। मैं समझती हूँ कि मकबूजा कश्मीर में जो मोदी की सरकार करती है, जिस तरह ख्वातीन को हरासा करती है, फैमिलीज़ को उठा लेती है, बर्बरियत करती है, जुल्म करती है, सीधी गोलियां मारती है, या फिर जो इसराइल की हुकूमत जो है जो फ़लस्तीन में करती है, वही मनाजिर जो है इस्लामाबाद में 25 मई को इस गुंडागर्द हुकूमत ने, इस इंपोर्टेड हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी अवाम के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की। ये साबित हो गई है, ये अब एक हकीकत तस्लीम हो गई है दुनिया के सामने कि ये जो इंपोर्टेड हुकूमत है ये जब भी आएगी इस मुल्क में ख्वातीन का जीना हराम हो जाएगा।
इस मुल्क में ख्वातीन के लिए जगह महफूज नहीं होगी, ये मुल्क महफूज नहीं रहेगा। और अफसोस की बात ये जमील कि जिन्होंने पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा उठाया, निहत्ते शहरी, सिर्फ पीटीआई के टाइगर और टाइग्रेसेस नहीं, आम लोग थे, आम लोग सपोर्टर थे, आम लोग सपोर्टर जो पाकिस्तान की सालमियत की खातिर आए थे, जो साजिश के खिलाफ आए थे, जो अमेरिकी साजिश के खिलाफ आए थे, जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, जो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे, जो चाहते थे कि एब्सोल्युटली नॉट कहा जाए कि हमारे बच्चों को आप ड्रोन अटैक में शहीद ना करें, हम पराई जंग में नहीं कूदेंगे, उसकी सजा जिन्होंने वकार बुलंद किया, जो पाकिस्तान का झंडा उठाए खड़े हुए थे वो पाकिस्तानी, उसको यूनिफॉर्म के अंदर लोगे हुए पुलिस ने उस बर्बरियत का, गुंडागर्दी का निशाना बनाया, अमलाक को नुकसान बचाया, 2000 से ज़्यादा घरों के अंदर उन्होंने रेड किया, और जिनकी कहानी मैं समझती हूँ आपको बोतलें भी मारी गई हैं पुलिस की जानिब से, पुलिस की जानिब से जमील, अमलाक तो तोड़े गए, जो गरीब रेड़ी वाला खड़ा था, जो वहाँ पर कोई शरबत बेच रहा था या कोई बोतलें बेच रहा था, उसके शीशे बोतलें उठा उठा के हमारे सरों के ऊपर मारी गई। जब उससे दिल नहीं भरा, जब शेलिंग से दिल नहीं भरा, क्योंकि लोगों के हौसले तो नहीं टूटे, लोगों के लोग बिखर जाते थे फिर दोबारा वापस आ जाते थे मैदान में। इस तरह की शेलिंग हमने कभी मकबूजा कश्मीर में, फलस्तीन में, इन्होंने मकबूजा फलस्तीन, मकबूजा कश्मीर, इस्लामाबाद को, उस दिन पाकिस्तान को उन्होंने बना दिया था, इस राना सनाउल्लाह जिन्होंने 28 कत्ल किए थे आबिद शेर अली के वालिद के बकौल, या जो इम्पोर्टेड क्राइम मिनिस्टर है जो आबिद बक्सर कहता है कि मैंने 450 कत्ल मावराए अदालत शहबाज शरीफ के कहने पर किए, जिन्होंने मॉडल टाउन का सानिया किया, यही खून खराबा उन्होंने उस दिन किया, और ये उसको बढ़ाना चाहते थे। फिर जब उससे भी पुलिस का दिल नहीं भरा, पता नहीं वो किससे इनसे जो हुक्म ले रहे थे, क्या उनके दिल में इतनी तकलीफ थी कि झंडा उठाने वाले, पाकिस्तान के झंडा उठाने वाले को, हालांकि झंडा उठाने वाले की हिफाजत तो इन्होंने करनी थी, इन्होंने उनको पटडंडे बरसाए, उनको मारा पीटा, सीधी खवातीन के ऊपर जो है वो पिस्तौल ताने गए, 5 लोगों को हमारे शहीद किया गया, 5 लोगों को शहीद किया गया, हम सर के ऊपर बोतलें मारी गई, फेंकी गई, जब वहां से दिल नहीं भरा ना रात को, मारने वाले कौन थे, ख्वातीन थी या मर्द हजरात थे? नहीं, मर्द हजरात थे, कोई औरत पुलिस वाली नहीं थी। वो हमारे लिबरल हजरात कहाँ हैं जिनको ख्वातीन की हमेशा रिस्पेक्ट का बड़ा ख्याल रहता नहीं, है? नहीं, वो तो क्यों नहीं बोल रहे, नेपाल चले गए हैं, वो लंबी तान सो के जो है वो चले गए हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन पाकिस्तान में हुई, आजादी रही, सहाफी वहां पे खड़े थे, वो मार हमें लगे, मुझे लगे आप हमेशा मुझे, मैं बोल न्यूज की, आप मेरी वो वीडियो दिखाए, मुझे बोल न्यूज वाले जो मुझे पुलिस वाले, जब मैं पहला G9 के पास नाका क्लियर कर रही थी, तो जब मुझे शेलिंग हो रही थी, जब उनको कहा, उनको सोचा कि ये तो इसका हौसला नहीं टूट रहा, तो इन्होंने मुझे बोल न्यूज वाली गाड़ी थी, क्योंकि उन्हें कहा हमारे साइड पे खड़ी हो जाए, शेल्टर ले ले, क्योंकि वो सीधे शीशे की बोतलें, जिस गरीब की रेडी खड़ी थी वो शीशे की बोतलें मारे थे। रात को 2 बजे जब इससे भी इनके दिल को तसल्ली नहीं हुई, तो बख्तर बंद गाड़ी आती थी लोगों के ऊपर और गाड़ियों के ऊपर चढ़ाती थी ताकि पीछे पसपा हो जाए। हम क्या करने आए थे? क्या आपके हाथों में गन्स थी या डंडे थे, क्या था हमारे हाथ में? हम तो सिर्फ पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे। फैमिलीज आई हुई थी, हाँ। वहां तो बच्चे आए हुए थे, उनके जो बच्चे हैं उनका हिसाब, जो खवातीन की बेहुरमत ही गई, बूढ़ी खवातीन के, मेरा तो ख्याल है कि जुल्म की इंतहा हो गई। जमील, यकीन करें, आप वहां पे खड़े थे, या इमरान रियाज वहां पे खड़ा था, या फिर ARY के खड़े थे, अरशद शरीफ लोग खड़े थे, मैं समझती हूँ जो आप लोगों ने, आप मुझे बताएं, आपको गजा की पट्टी पे भेजा गया था? नहीं। जमील, आपको फलस्तीन भेजा गया था? आपको मकबूजा कश्मीर भेजा गया था? नो। आप लोग बुरहान से लेकर, पिशावर से लेकर इस्लामाबाद में, मुझे कोई एक जगह बता दे जो पाकिस्तानी के लिए उस वक्त महफूज हो, कोई एक खातून की बेहुरमती ना की गई? सीधी सीधी गोलियां मारे जा रहे थे, सीधे सीधी शेलिंग कर रहे थे, सांस वहां पर नहीं आती थी, किसी के पास वारंट नहीं था, किसी के पास गिरफ्तारी थी, चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया। कहानी कहाँ से शुरू होती है कि मोहतरमा फातिमा जिना मादर मिलत को PMLN के जो लीडरान के वालदेन ने जिस तरीके से गालियां दी एक डिक्टेटर के मुकाबले में, उसके पास इलामा इकबाल का जिसने तसव्वुर दिया, बानिए पाकिस्तान में से जिनके साथ थे, जिन्होंने तसव्वुर पाकिस्तान का पेश किया, उनकी बहू को घर में हरास किया गया, उनके घर के ऊपर, जस्टिस नासर के घर के ऊपर चादर और चार दीवारी के ऊपर जो है वो पामाल किया गया, वो महफूज नहीं है। डॉक्टर यास्मीन राशिद को, जो एक कैंसर पेशेंट है, जो मिनिस्टर रही है, जिस तरीके से उसको मर्द पुलिस वालों ने घसीटा, मारा, चोटी से पकड़ गया, और उसकी गाड़ी तोड़ी, ये किसने इजाजत दी थी? ये आप लोग उसको कवर करते रहे ना जमील, आप लोग फील्ड में थे, तो मैं सिर्फ आपसे सवाल करती हूँ कि जमील, आप लोग, या इमरान रियाज या अरशद शरीफ, ये सारे आप लोग मकबूजा कश्मीर गए हुए थे, गजा की पट्टी पे गए, उससे बुरा हाल था। मुझे तो ये डर है कि एक दिन फलस्तीन वाले और मकबूजा कश्मीर वाले, मकबूजा पाकिस्तान वालों से, मेरा ख्याल है कि
वो करेंगे, इजहार हमदर्दी कंपैरिजन करेंगे कि कंपैरिजन करेंगे यही हाल है। तो क्योंकि ये तो स्टेट थी, स्टेट को यरगमाल बनाया गया, रियासती दहशत गर्दी की गई। आपको लगता है कि हमारे इंस्टीट्यूशंस को, इदारों को, तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस को उस मौके पर खामोशी नहीं रखनी चाहिए थी, बोलना चाहिए था? खामोशी भी नहीं रखनी चाहिए थी, बोलना भी चाहिए था, सो मोटे एक्शन भी आने चाहिए थे। और पुलिस के जो लोग या जो अफसरान जिन्होंने कहा कि हम ये बर्बरियत नहीं कर सकते, जिन्होंने कहा कि हम रिजाइन करते हैं, उनको तो मैं वैसे सल्यूट करती हूँ, लेकिन मैं बाकी उनको आपको कहती हूँ, जब आपने हमारे वर्कर को, माएँ बहनें नहीं हैं क्या? उनकी माएँ बहनें नहीं हैं क्या? वो किसी के घर पर रात के अंधेरों में बगैर वारंट के किसी को जाए नमाज से औरत से जाए नमाज में बैठी औरत को घसीटा गया कि हाथ लगाया गया? ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ये किस किस्म का पाकिस्तान है? ये मोहम्मद अली जिना का पाकिस्तान है? ये लामा इकबाल का पाकिस्तान है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पीसफुल डेमोक्रेटिक जमात जिसने 1,70,00,000 वोट लिया है, आप उसको प्रोटेस्ट करने नहीं देते? आप उसके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, आप उसके ऊपर शेलिंग करते हैं, खवातीन की आप बेहुरमती करते हैं, आप सीधी गोलियां मारते हैं, रियासत दहशतगर्दी करते हैं। गुलो बट जो है वो बैठ के मेरे सामने जो है वो जिना एवेन्यू पे दरख्त जलाए गए, मेरे सामने पुलिस के लोग साथ शामिल थे, मेरे सामने जो है वो गुलो बट उसके साथ शामिल, मैं वहां पर सीधी गाड़ी से उतर में चीखी, मैंने कहा ये तुम क्यों करे, वो मुंह पे वो करके वो वहां से भाग गए। किस चीज को इमलाक को इन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया? खवातीन में देखे, वहां पे बच्चे आए हुए थे, वहां पे बुजुर्ग आए हुए थे, वो हमारे कहने पे नहीं आए हुए थे, मैं उनको नहीं लेकर आई थी, खान की कॉल पे आए, वो खान की कॉल पे आए थे, वो पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए आए थे, एक सर्विस में यहाँ पे आए हुए थे, रिटायर्ड अफसरान आए हुए थे, तमगे लगा के यहाँ पे रिटायर्ड अफसरान आए थे, उनकी फैमिली थी, बच्चियां थी, फैमिली थी। जो बदतरीन शेलिंग उसके ऊपर उनके ऊपर की गई, लड़ते रहे, ऐसे लड़ते रहे जैसे हम किसी मुल्क की जो है वो फौजें हैं और हमने कोई हमला किया हुआ। ये तो बॉर्डर के ऊपर जो है ये आंसू गैस इस्तेमाल होने चाहिए थे, ये गोलियां तो बॉर्डर के ऊपर इस्तेमाल होने चाहिए थे, ये हमारे ऊपर क्यों इस्तेमाल हुए? एक्सपायर्ड नहत, एक्सपायर्ड और नहत्ते लोगों के ऊपर मुसलसल धुएं के बादल थे, जहर के बादल थे, सांस नहीं आती। आपकी हालत गैर हो गई थी, मुझे पता है आपकी, मलिका की, साउथ पंजाब से, साउथ पंजाब से सबसे पहले हमारा कॉन्वॉय यहाँ पे निकला, हु का आलम था, क्योंकि मुल्क को तो कंटेनर्स में बदल दिया गया था, मुल्क में तो एक हफ्ते से पहले से रेड कर करके लोगों को हरासा किया गया था, पर्चे किए गए थे। और एक फितना बाज औरत, शरपसंद औरत जिसने आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, जो पाकिस्तान को खा गई, जो जमानत के ऊपर ग्लोरीफाई कर रही थी, ग्लोरीफाई कर रही थी, ग्लोरीफाई कर रही थी ख्याल से आना जी, और वो उनको बाकायदा पीछे से हौसला दे रही थी, शर फैला रही थी ताकि मजीद खून खराबा हो, ताकि मजीद, मैं तो सल्यूट करती हूँ जमील आप समेत उन तमाम मीडिया के पर्सनल को जो उस वक्त जो गजा की पट्टी पे लगता है खड़े थे, जो मकबूजा कश्मीर में बेहोश हो गया था। पता है मेरी, आपने इतनी वीडियो देखी है? नहीं देखी। मैं आई फेस्ड इट, टियर गैस शेल डायरेक्ट लगा मुझे आप सबने, इसलिए कि आप लोग तो प्रोटेस्ट को कवर करने गए थे ना, आप जंग के लिए तो नहीं गए थे ना, वहां तो जंग थी, नहाते लोगों के ऊपर जंग थी, बर्बरियत थी। अच्छा। लेकिन पाकिस्तानी लोगों को भी, उन फैमिलीज को भी सलाम करती हूँ कि जंग में भी ऐसे लोग नहीं निकलते जिस तरह पाकिस्तान निकले रहे और खड़े रहे, बिल्कुल हौसला तोड़ते थे, वो टीयर गैसिंग करते थे, शेलिंग करते थे, पकड़ते थे, मारते थे, वो डिस्पर्स हो जाते थे, फिर दोबारा कलेक्ट हो जाते थे, आधे घंटे में दोबारा वहां पे हजूम मजमा लग जाता था, फिर लोग आ जाते थे। उसमें मैंने बूढ़ी औरतों को देखा, मैंने उसमें बच्चों को देखा, वो बच्चों की वीडियोज दिखाए ना, इसका हिसाब कौन देगा? मैं ये जो मुफक्कर है, ये जो आलम है, ये जो इस मुल्क के ऑब्जर्वेंट लोग है, जिस मुल्क करते हैं और जो इदारे हैं, उनको उसका जवाब तो, इनकी नजर तो है ना, जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब तो देना। एक एक वीडियो के अंदर चीजें महफूज हैं, एक एक वीडियो के हक और पाकिस्तान की झंडा उठाने वालों के साथ रियासती दहशतगर्दी की गई, राणा सनाउल्ला के कहने के ऊपर, क्राइम मिनिस्टर शहबाज के कहने के ऊपर, हमजा शहबाज के कहने के ऊपर और मरियम नवाज के कहने के ऊपर, जिनको खुद जेल के अंदर होना चाहिए, जिनको खुद जेल के अंदर होना चाहिए, अब तो उनके ऊपर कत्ल के मुकदमे होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने 5 लोगों को कत्ल करवाया है। अच्छा, मैं जरताज गुल वजीर और पाकिस्तान की उन तमाम ख्वातीन, जाहिर है कि बड़ा इंपॉर्टेंट ये मामला है, जरताज गुल वजीर पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत की वाहिद इलेक्टेड खातून रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली थी, जिस मिनिस्ट्री का आज तक कोई नामो निशान नहीं था। तो पाकिस्तान की वो खातून जो एम्पावर्ड होना चाहती है, जो वाकयतन सनफ़े आहन है, उसके साथ अगर बग़ैर किसी वायलेंस के वो एहतजाज करने के लिए निकलती हैं और डायरेक्ट उनके ऊपर शेल फायर किए जाते हैं, तो ये अलमिया है, ये अफसोसनाक वाक़या है, ये लम्हा फिक्रिया है तमाम कौम के लिए। एक तरफ हम कहते हैं कि हमें एम्पावर्ड वेमन चाहिए,
हमें पढ़ी लिखी माँ चाहिए, पढ़ी लिखी बहन चाहिए, और दूसरी तरफ जब आप उनको बरहना पा या बरहना सर करके सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, तो आप कौन से मुल्क की हुकूमत या रियासत चला रहे हैं और आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो इस कैफियत के अंदर मेरे अंदर का सहाफ़ी साइड पे है, लेकिन मेरे अंदर का इंसान भाई, सर पे हाथ रखने वाला और शफकत रखने वाला दोस्त, वो शायद फ्रंट पे रहेगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमने जो किया, जो कुछ उस वक्त रोड्स के ऊपर हुआ, अगर वायलेंस या रिटेलिएशन थी तो उसके हैंडलिंग के 10 और तरीक़ेकार हो सकते थे। जरताज, आपके ऊपर मुकदमात भी हुए हैं। मेरे जितने भी वर्कर्स थे, पहले उनको उठाया गया, फिर हमारी जो लॉयर्स की टीम थी, असद उमर साहब ने बहुत अच्छा हैंडल किया था, साम नंबर हमें दिए हुए थे, हमने उनके ज़रिए उनकी बेल करवाई, टॉर्चर में उनको रखा गया, हमने उनकी बेल करवाई, कुछ हमारे वापस आ गए जेलों के अंदर से, और जो हम पीछे बच गए हैं उसमें हर एक के ऊपर ये लोग ऐसे दहशतगर्दी के पर्चे कर रहे हैं कि जिसका कोई इंसानी सर पाँव नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जो जहाँ पे मौजूद भी नहीं था ये जहाँ पे मौजूद था, यानी हक की आवाज़ बुलंद करना, पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना, पाकिस्तान की आज़ादी और खुदमुख्तारी और सलमियत की जंग लड़ना, इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, बैरूनी साजिशों के खिलाफ। और आज तो शायद आपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे देखा हो ना, अब आपको पता चल गया होगा कि रिजीम चेंज क्यों हुई है, कि इजरायली सदर ने ये एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान का वफ़ जो है वो मुझे मिला, और उन्होंने ये वादा किया है कि ये इसराइल को तस्लीम करेंगे। मेरा अब सवाल है, मेरा उन तमाम पार्टियों से सवाल है कि जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि, और इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते थे, और इमरान खान ने इसके खिलाफ कहा था कि हम कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे, जब तक जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह की पॉलिसी थी कि जब तक फलस्तीन को उनकी जगह नहीं मिल जाती। मुझे आप बताएं कि इसराइली सदर खुद कह रहा है कि पाकिस्तान का वफ्द आया, ये मरियम की माँ के लोग उसके ऊपर शामिल थे। अब मेरा एलओ से सवाल है कि अब पाकिस्तान की सलमियत का सौदा कैसे आप होने दे रहे हैं? आप सवाल क्यों नहीं उठा रहे? फैसिलिटेटर कौन है? फैसिलिटेटर कौन है? फिर इसी तरीके से अगर रशिया के साथ जो है हमारी गंदम सस्ती आ सकती थी, आज आपको पता है जमील, 20 केजी का जो 850 रुपए का हमारे यहाँ आटे का थैला मिलता था, वो 1700 पे के अंदर पहुंच गया है, ट्रिपल हो गई है, ट्रिपल हो गया, 200 रुपए से ज्यादा डॉलर पे पहुंच गया। किधर है अब किस के साल में 30 रुपए तो इन्होंने पेट्रोल जो है वो एक झटके के अंदर, हम 3 रुपए भी नहीं बढ़ाते थे, हमने तो उल्टा सब चीजों को सब्सिडाइज किया था, आज वो किधर है? मेरा तो सवाल ये है ना कि जो क्राइम मिनिस्टर कहता था, इस्माइल साहब ने एक और चीज बोल दी, उन्होंने कहा मजीद प्राइसेस बढ़ेंगी पेट्रोल के, अपने ज़हन में रखें, तो वो क्राइम मिनिस्टर 250 पे ले जाएंगे। क्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि अपने कपड़े बेच के जो है वो महंगाई को कम करूंगा, तो अपने कपड़े बेचे कब बेचेगा? सबके उतरवा रहे कपड़े ना, तो इस वक्त तो हमलावर है ना ये हुकूमत, इंपोर्टेड हुकूमत हमलावर है, खवातीन पे हमलावर है, बच्चों के ऊपर हमलावर है, खानदानों के ऊपर हमलावर है, हक की आवाज बुलंद करने वालों पर हमलावर है, सोशल मीडिया के बच्चों के ऊपर हमलावर है, आप जो मीडिया के पर्सनल हैं उनके ऊपर जो है, जो लोग उसकी हक की आवाज़ उठाते या कवरेज करते हैं उनके ऊपर हमलावर है, और अब जो ये बदतरीन महंगाई उन्होंने तोहफे में दी है, इसराइल को ये तस्लीम करने जा रहे हैं, हमें तो जवाब चाहिए ना, हमें तो ये जवाब चाहिए। नैब के कानून को ख़त्म करना चाह रहे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट को के हक को उन्होंने महरूम कर दिया है, उन्होंने ख़त्म कर दिया है, ये कौन कौन से रिजीम चेंज के इन्होंने सौदे किए थे, हमें तो ये सारे सवाल इनसे पूछने हैं, और कब तक जमील, कब तक ये छुपेंगे? मुझे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करना है, आप लोग दोबारा से, क्योंकि कल आप लोगों की मीटिंग भी खान साहब से हुई है और कल हमारी भी मीटिंग खान साहब से हुई है, कल 1 बजे हमारी, 1 से 3 तक हमारी थी, उसके बाद आप लोगों की, तो कोर कमेटी की क्या डिसाइड हुआ है? दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं और या धरने की तरफ जा रहे हैं, या अभी वेट एंड सी की पॉलिसी होगी? वेट एंड सी तो नहीं है ना, देखिए इस इंपोर्टेड हुकूमत के पास और इस इंपोर्टेड क्राइम मिनिस्टर के पास जो है, और जो मुर्गी चोर है हमजा शहबाज, इसके पास इस वक्त कोई कानूनी अखलाकी आईनी जवाब तो नहीं है ना, क्योंकि जो अवामी मैंडेट है 155 सीटों का वो तो हमारे पास है, इनके पास तो नहीं है, इनको तो ज़बरदस्ती बिठाया गया है, तो इनके खिलाफ तो हमारी जंग जारी रहेगी, अवाम हमारे साथ है, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हमें बुलाएंगे हम बार बार यहाँ पाएंगे, जब तक कितने भी शैल चल जाए, जी जितने भी शैल चल जाए, जितने भी रियासत, लेकिन अब रियासत दहशतगर्दी का हम जवाब देंगे, अगर ये खवातीन की इज्जत के ऊपर वर्दी वाले ये जो पुलिस वाले हाथ डालेंगे इनके हाथों और गमाल होंगे तो जवाब भी मिलेगा। अब रिटेलिएट करेंगे आप, ये हम रिटेलिएट करेंगे, ये नहीं हो सकता कि आप हमारी चादर और चार दीवारी को पामाल करें, आप हमारे झंडा उठाने वालों को, पाकिस्तान के झंडा उठाने वालों को आप जेलों की नजर करें, सीधी गोलियां मारें, इसका जवाब मिलेगा, हमने पहली दफा बर्दाश्त किया, दोबारा बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक के आईनी फैसला नहीं हो जाता,
कि कौम को नए मैंडेट के साथ नया इलेक्शन का फैसला नहीं हो जाता, हम बार बार यहाँ पे आएंगे। वेरी राइट मोहतरमा जरताज गुल वजीर साहिबा, साबिक वजीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी वाइब्रेंट और सीजेंट पॉलिटिशियन, इन्होंने बड़ा सफ़र किया है। 20 से 25 के दरमियान इनको न सिर्फ हैरस किया गया बल्कि फिर जिस दिन लॉन्ग मार्च था उस दिन मर्द पुलिस एहलकारों ने इन समेत तमाम ख्वातीन पीटीआई की लीडरशिप को हैरस किया, बालों से पकड़ा, सर से दुपट्टा उतारा, शैलिंग की और किसी को शर्म नहीं आई। आप ज़रूर रिट इस्तेमाल करें रियासत की, लेकिन उसके खिलाफ जिसके हाथ में कोई वेपन हो, निहत्ते ख्वातीन और बच्चों और सहाफ़ियों के खिलाफ तो ना इस्तेमाल करें। बाकी बात होगी दीगर पैनलिस्ट के साथ एक ब्रेक के बाद। साथ वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में तीन मौजूद मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनाब कादिर मंदोखेल साहब, रुकने कौमी असम्बली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ माहिर आइन और कानून भी हैं। हमारे दूसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब अहमद जवाद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और सीजनड पॉलिटिशियन हैं, अभी अभी उन्होंने PMLN ज्वाइन किया है। हमारे तीसरे मौजूद मेहमान होंगे जनाब डॉक्टर फरीद प्राचा साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान। आपने वक्त निकाला डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कादिर मंदोखेल साहब, इससे पहले कि मैं जो नॉर्मल पॉलिटिक्स हमारे यहाँ हो रही है, कुछ ऑडियो लीक सामने आई हैं उसके ऊपर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो बड़ी जमहूरियत पसंद जमात है, तो फिर आप लोगों ने एक ऐसे अलायंस के साथ कैसे दिया जिन्होंने खुलेआम ख्वातीन के ऊपर आंसू गैस के शेल फायर किए हैं? कादिर भाई, मेरे लिए तो बड़ी अचंभे की बात है। देखिए मुझे एक बात बताएं, आपके बहुत सारी मीडिया के दोस्त ये बात उठा रहे हैं कि पुलिस ने लाठी चार्ज क्यों किया है, पुलिस ने आंसू गैस क्यों चलाया। आप मुझे एक बात बता दें कि ये जो तैश का ये गुंडों का एक टोला था जो कि 4 साल में तमीज़ की अदब का तो उनके तो अच्छी तरह तरबियत इमरान याजी ने कर दी है, मगर साथ साथ दहशतगर्दी की भी तरगीब दे दी है। क्या इनको खुद इनका जो शेख चली जो खुद कहता था मैं गेट नंबर 4 का पैदावार हूँ, और जिस तरह वो ललकार रहा था वो कहाँ भाग गया? मैंने तो ट्वीट भी किया है कि कोई तलाश गुमशुदा बता दे, मैंने दोस्तों के साथ शर्त लगाई है कि ये बंदा था किधर। दूसरी बात ये, आप मुझे बताओ क्या राणा सनावला या काबीना के मेम्बरान वहाँ डी चौक में उस मुश्तहिल जत्थे को रोकते या पुलिस रोकती? किसकी जिम्मेदारी है? यकीनन राणा सनावला वजीर दाखला है, उन्होंने पुलिस को हिदायत देनी है, उसने इस्लामाबाद इंतजामिया को हिदायत देनी है। लेकिन आप मुझे एक बात बता दें कि ये जत्था जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा एक सूबे की सरकारी मशीनरी क्रेन पुलिस सिक्योरिटी इस्तेमाल करते हुए हर जगह से जो रुकावटें थे वो तोड़ते हुए और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन करते हुए और वो डी चौक पहुंच गए, तो आप मुझे बता दें कि ऐसी सूरत में अगर ये ना करते तो क्या करते? मैं पार्लियामेंट लाजिज में तो उस रात को हमारे यहाँ केबल चली गई, मैं हैरान हूँ कि केबल क्यों चली गई। सुबह पता चला कि वो केबल की लाइनें भी उन्होंने काट दिए, जला दिए। अब किसने काट दी, क्या काट दी, समझ में नहीं आया। जारी बात है, हुकूमत तो नहीं जला सकती। कादिर भाई आपकी इजाजत से मैं यहाँ पर सवाल आपसे पूछ सकता हूँ? देखें मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ कि किसी भी जत्थे को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो फेडरेशन के ऊपर चढ़ाई कर दे, मैं 100% मुत्तफिक हूँ। लेकिन मेरा जो मैटर ऑफ कंसर्न है वो ये है कि ख्वातीन, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी ट्राइब से हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी से हो, और इसी तरह से बच्चे और सहाफ़ी जो कवरेज कर रहे थे, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आप क्या उनके ऊपर होने वाली आंसू गैस की शेलिंग को जस्टिफाई कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं इसको कहता हूँ कि नाखुशगवार वाक्या हुआ है। और यहाँ तक कि समा के रिपोर्टर, लेडी रिपोर्टर में कराची में जो PTI के लड़कों ने बदतमीजी की है, उसको गाली गलोच और अतापाई की है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मैं ख्वातीन, चाहे PTI के हो चाहे हमारे जर्नलिस्ट, तो खैर मर्द ख्वातीन दोनों ही काबिल एहतराम है और वो अपने एक ड्यूटी निभा रहे थे, उनके खिलाफ तो किसी तौर पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, आप तारीख गवाह है, जितनी मीडिया पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी और आज तक है, हमें तो कोई भी मीडिया से कोई तारीफ हमने नहीं सुनी है, मगर फिर भी हमने कभी मीडिया के ऊपर हाथ नहीं उठाया। जब वो पिछली हुकूमत ने जो काला कानून राइज किए मीडिया कंट्रोल अथॉरिटी, उस वक्त सबसे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब
मीडिया के दोस्तों के पास गए, मैं भी मौजूद था उस वक्त उनके साथ, हमारे दूसरे एमएनए जो मौजूद थे, हमें तो हमेशा मीडिया की आजादी के एहतराम की है और खास तौर खवातीन का तो हमें हर तरफ से एहतराम करते हैं, चाहे वो हमारी मुखालिफ पार्टी की क्यों ना हो। यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी इस बात से, मैं यही सुनना चाह रहा था कि कंडेम कम अज कम होना चाहिए, रियासत का पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी जत्थे की इस तरह चढ़ाई को वो रोक सकती है, लेकिन जो कुछ ख्वातीन और बच्चों के साथ और सहाफ़ियों के साथ हुआ है वो अफसोसनाक था। मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी इस बात से। मैं अब अहमद जवाद साहब की तरफ जाऊंगा। अहमद जवाद साहब, सबसे पहले तो आपसे सेम कमेंट मैं चाहूंगा, वैसे तो आप अपनी मर्जी का दे सकते हैं, कि ख्वातीन के ऊपर जो शैलिंग हुई, बच्चों के ऊपर जो हुई, या सहाफ़ी उसमें रगड़े में आए, मैं मेरे ऊपर शैल फायर हुआ जी, मैं खुद बेहोश हुआ, तो ये जो हुआ है क्या इसको अवॉइड करके ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल नहीं हो सकती थी चीज़ें? अहमद भाई, अच्छा जमील, देखें पब्लिक प्रॉपर्टी सेफ्टी और पब्लिक सेफ्टी, इसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को तरबियत भी दी जाती है और उनको टूल्स भी दिए जाते हैं, ठीक, और उनको इस्तेमाल करने के कानूनी कायदे भी मौजूद होते हैं। जब कोई भी, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, कानून को तोड़ता है और उससे पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक सेफ्टी को खतरा होता है, तो उसके लिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज यानी पुलिस जो है वो अपने कायदे कानून के मुताबिक इन टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसू गैस, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसी प्रोसेशंस को कि जो कि खतरा बन जाएं पब्लिक सेफ्टी के लिए या पब्लिक प्रॉपर्टी के लिए, वहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं। और जब आप आंसू गैस फायर करते हैं तो उसमें फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन इसलिए नहीं हो सकती कि अगर एक मॉब जो है उसके अंदर मर्द भी हैं, औरत भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, पेडेस्ट्रियंस भी हैं, रागीर भी हैं, उस वक्त आपको अकलमंद तो ये होती है कि औरतें और बच्चे जो हैं वो किसी मॉब का हिस्सा ना बने, ना ही उनके पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को जो है वो किसी मॉब में या किसी प्रोसेशन में लेके आए उनकी सेफ्टी के लिए। जब आपको नजर आ रहा है कि आपने एक हिस्ट्री भी देखी है कि लश्कर कशी की जो हिस्ट्री पाकिस्तान में, चाहे वो ताहिरुल कादरी ने शुरू की, चाहे वो इमरान नियाजी ने 2014 के धरने से शुरू की, इस लश्कर कशी में तो फिर बहुत कुछ होता है, तो इसको मैं कोई जस्टिफाई तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूं कि कानून को अपने कायदे कानून के मुताबिक हरकत में आना होता है, और आंसू गैस जो है वो ऐसी प्रोसेशंस जो कि खतरा बन जाए शहर के लिए, लोगों के लिए, शहरियों के लिए, आपको इस्तेमाल करना होता है। चले, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि इसको हैंडल करने के और तरीके हो सकते थे, लेकिन आपका ओपिनियन है, इसकी रिस्पेक्ट है अपनी जगह पर। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जरताज गुल वजीर साहिबा मौजूद थीं, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के ऊपर, आप इसके ऊपर कोई कमेंट करना चाहेंगे? अहमद जवाद साहब, आपकी हुकूमत की बात हो रही है। देखें जमील, इसराइल को की रिकग्निशन जो है वो कोई भी छुप छुपा के तो काम हो नहीं सकता, ये एक बहुत बड़ा इशू है, और अगर कभी इसके ऊपर कोई डिस्कशन भी होती है तो उसका फोरम पार्लियामेंट होगा। हाँ, अगर किसी इकोनॉमिक फोरम के ऊपर आपकी कोई मुलाकात होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन रिकग्निशन का मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत इस किस्म का कदम बढ़ा सकती है, ना माजी में किसी ने इसकी जरूरत की है। इमरान नियाजी के दौर में भी इसके बारे में कुछ खबरें आई थी, कुछ मुलाकातों का भी आया था जी कि हुई हैं कुछ मुलाकातें, उससे पहले मुशर्रफ के दौर में भी इसके बारे में कुछ अफवाहें उड़ी थी, लेकिन कभी भी इसको कोई हम अमली जामा पहनाते हुए हमने देखा, और ना ही कोई हुकूमत मेरा ख्याल है इस किस्म का कोई रिस्क लेगी। मैं नहीं समझता कि ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में है, और ना ही कोई ऐसा कोई कदम लिया जाएगा इंशाल्लाह। मेहमान से गुफ्तगू सिलसिला जारी है, लेकिन वक्त है ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, अपने मौजूद मेहमान से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो
आपको सलाम, क्योंकि जमात इस्लामी चाहे वो पॉलिटिकल वेव के अंदर मौजूद रहे ना रहे, एक बात तय है कि आप लोग अपोजिशन खुल के करते हैं और आप फलाही कामों से भी पीछे नहीं हटते हैं। गुज़िश्ता दिनों हमारा एक सिटिंग हुआ, सिटिंग तो नहीं कह सकते, हमारी एक सिटिंग हुई बल्कि, और उसमें आपके लोग बहुत सारे बैठे हुए थे, तो वो अपने तमाम टेक्नोलॉजी, आईटी और दीगर मामलात के ऊपर का काम अपना जारी रखे हुए हैं। ये जो हाल ही में 25 तारीख को हुआ है, ये पाकिस्तान के अंदर वाज इट ए सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स के हम इस तरह के मनाजर देखते रहे, चाहे खान साहब लेके आए या चाहे फिर रोकने वालों ने उस अंदाज से रोके। आपको कुछ लगा कि ये पाकिस्तान था, ये फलस्तीन था, या ये फिर शाम के मनाजर थे? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फारूकी साहब, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने जमात इस्लामी के बारे में अच्छे कलमात का इजहार किया। मैं सिर्फ इस मौजू का ये पहलू आपके खिदमत के अंदर अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त यहाँ पर सियासी हंगामा आई थी और जिस वक्त यहाँ पर दोनों तरफ से इश्तियाल और गमो गुस्सा और कई चीजें थी, उस वक्त जमात इस्लामी जो है वो चोलिस्तान में और थर में पानी का बंदोबस्त कर रही थी ताकि गरीब लोग वहां पर और जानवर और वहां की जो हयात है उसको बहरहाल बचाया जा सके। तो बहरहाल ये तो एक अल्लाह का करम है कि जो हम कर रहे हैं। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं कि एहतजाज करना एक आईनी हक है और हर पार्टी को ये हक हासिल है। और अगर आज पीटीआई कर रही है, कल पीटीआई इख्तदार में थी, आज वो कर रही है, तो ये बहरहाल एक आईनी हक है। ताम मैं सारी जमातों को जो कभी इख्तदार में होती हैं और कभी हिजब इख्तलाफ में होती हैं, ये याद रखना चाहिए कि वो खुद कौन से मेयार तय कर रहे हैं। अगर वो अपने इख्तदार में रहते हुए एक अच्छी प्रेसिडेंट अच्छे मेयार कायम करते हैं तो उसको बहरहाल आइंदा हमेशा उसका हवाला दिया जाएगा। लेकिन इसमें हमें को खुशगवार सूरत हाल नजर नहीं आती। तहरीक लब्बैक के जो धरने के साथ किया गया या उनके मार्च के साथ किया गया, तो बहरहाल ये वो कहते हैं ना, तरीके को हुकुम में भी वही हीले हैं परवेजी, तो हर एक तरफ एक जैसा ही है। अलबत्ता ये बात बिल्कुल ठीक है कि खवातीन और बच्चे, ये तो एक ऐसी यानी मता है कि जिसका एहतराम जंगों के अंदर भी किया जाता है। हालत जंग के अंदर भी ये देखा जाता है, जनेवा कन्वेंशन के में भी इसके दफात मौजूद हैं कि बच्चों को और इनको, ये इसराइली एक तर्ज उनका है, तर्ज हुक्मरानी के, वो उन कैंपों पे भी बमबारी करते हैं जहां बच्चे और जहां औरतें होती हैं। तो बहरहाल इसकी तो हर सूरत हिफाजत करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल, यानी मैं तालिब इल्मी के जमाने से हम इन्हीं चीजों में है, 40-50 साल गुजर गए हैं। यानी एक तो यह है कि मजमा अगर पुरामन है और ठीक जा रहा है तो उसपे तो आंसू गैस फेंकने और उस पर लाठीचार्ज करने का कोई जवाब नहीं है। हाँ, अगर वो तोड़ फोड़ कर रहा है, अगर वो इश्तियाल पे आया हुआ है, तो फिर उसके बाद उसको रोकने के लिए। लेकिन यहाँ चाहे आज हो या माजी हो, यहाँ पर ये देखा जाता है कि जी जो पुलिस को दी जाती हैं हिदायत, वो ये है कि सड़क पर कोई ना आने पाए, इस तरफ कोई ना, तो उन्होंने तो अपने फिर रोकने के लिए यानी महज एक जो है वो एहतजाजी हक को इस्तेमाल करते हुए अगर कोई आगे आते हैं तो उस पर वो उसी तरह से आंसू गैस और वो करते हैं, जो बहरहाल किसी तरह से भी इस जवाब के अंदर नहीं काबले। तीसरी बात यह है कि बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने एक किरदार अदा किया था। अदालतों को भी हमें इस तरह से बेबास नहीं कर देना चाहिए कि अदालतें अगर कोई बात करें तो उसका एहतराम करना चाहिए। और इस तरह से अदालत ने अगर ये बात की कि हमने इस सारी एक शिद्दत की फिजा को कम करने में एक अपना किरदार अदा किया है, तो उस किरदार की हौसला अफजाई होनी चाहिए थी। उसमें भी बड़ी हद तक यानी डी चौक में लोग पहुंचे, डी चौक में पहुंच के जिस तरह से वहां पर ये वाकयात हुए, तो उसको हम कोई भी इस तरह से नहीं करके हम टाल सकते कि जी ये फलां था और हमने नहीं किया,
चीजें तो यहाँ पर आज जितनी फैसिलिटी है, वीडियोस मौजूद हैं, बन रही होती हैं, हर आदमी जो है वो रिपोर्टर बना हुआ है, हर आदमी के पास एक कैमरा है, तो चीजें तो महफूज हो जाती हैं कि कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हमारे ही लोग थे लेकिन ये इन्होंने गलत किया, बजाय इसके हम ये कहें कि जी ये बिल्कुल। एक और बात भी इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको भी बड़ी सजा मिलती है कि एहतजाज तो कोई कर रहा होता है और घरों में बैठे हुए लोग, घरों में बैठे हुए बच्चे, घरों में बैठी हुई औरतें, वो इससे सफर करते हैं, वो इससे सफर करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट आया, मैं आपके पास दोबारा आ रहा हूँ। मैं कादिर मंदोखेल साहब, एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई हुई है और सोशल मीडिया के ऊपर भी और मेन स्ट्रीम मीडिया पर बड़ी डिस्कशन हुई, मुबैना तौर पर मलिक रियाज साहब और जरदारी साहब की गुफ्तगु। सबसे पहले तो बतौर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रुकने कौमी असेंबली, आप एंडोर्स करते हैं कि यह आवाज जरदारी साहब की है? सब देखिए, हमारे इंडोर्स होने से क्या फर्क पड़ता है, वो तो शामी कुरैशी ने पहले ही इसको जाली करार दिया है, तो अब तो इसकी तस्दीक तो सिर्फ मलिक रियाज साहब ही कर सकते हैं ना कि वो असली है कि जाली है। और हमारी तरफ से अगर, क्योंकि अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि क्यादत की तरफ से कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं आई है और मैं के मैं आपको पार्टी का वर्जन दे दूं, लेकिन सामने वालों ने तो पहले से इनकार कर दिया, तो ये इस बात की तस्दीक तो मलिक रियाज साहब भी कर सकते हैं क्योंकि उसको मैसेज इमरान नियाज़ी साहब ने कैसे दिया। बिल्कुल ठीक है, मलिक रियाज साहब भी कर सकते हैं और पीपल्स पार्टी बतौर जमात भी कर सकती है इसकी तस्दीक, क्योंकि जरदारी साहब भी की आवाज के बारे में भी कहा जा रहा है मुबैना तौर पर उनकी आवाज है। हमारी तस्दीक और न तस्दीक की तो जरूरत बाद में पड़ जाती है क्योंकि इस वक्त कोई मानने को तैयार नहीं होगा ना, हमारी तस्दीक से कुछ नहीं होगा। तस्दीक होगा तो मलिक रियाज की तरफ से कि वाया असली है कि जाली है, क्योंकि अगर हमारी तरफ से बिलफर्ज हम हाँ भी कर दें कि असली है तो मलिक रियाज का वर्जन बड़ा जरूरी है, क्योंकि मलिक रियाज ने अपनी तरफ से बोला है या इमरान नियाज़ी साहब ने बोला है, अगर बोला है तो किसी के जरिए बोला है या उसके व्हाट्सएप पे इतला दिए क्या दिया। पर एक बात तो तय है कि जिस तरफ बढ़के मार रहे थे कि मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और पुलिस वालों को सबको वार्निंग देता हूं, सुप्रीम कोर्ट को भी बताना चाह रहा हूं, आर्मी को भी बताना चाह रहा हूं न्यूट्रल रहे, शेख रशीद की तरफ बढ़के मार रहे, तो वो तो सबके सब बढ़के खत्म हो गई है। और फिर एक बात शुरू में आप बीच में बात रह गई है, क्या आपने जो खवातीन की और साफियों की बात की, यकीनन मैंने अपना पॉइंट आउट दे दिया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या दरख्तों को जलाना, क्या घास को हरे भरे घास को जलाना, क्या किसी जंग में भी ये ऐसा नहीं होता है? गलत है। फिर मैं ये भी आपके जरिए पूछना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि इस जत्थे को इजाजत आपने दी थी इस्लामाबाद इंटर होने की, आपने इजाजत दी उनको H9 पार की, वो आए डी चौक में, डी चौक में जो किया है एटीएम मशीन घास दरख्त सबको जला है। और फिर मैंने सुबह एक टीवी चैनल पे देख रहा था इमरान नियाज़ी साहब कह रहे थे कि ये मुस्लिम लीग नून के लोग, ये कोई जहन मानता है अकल वाली बात कि उस के अंदर का, 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 मैं यहाँ ऐड कर दूं, एक बात ऐड कर दूं, मैं खुद इस लॉन्ग मार्च को कवर कर रहा था, पिशावर के शुरू से लेकर मैं जहां पर मौजूद था, मैं उस जगह की बात बता रहा हूं, ये था बुरहान इंटरचेंज, और वहां पर जब आंसू गैस के शेल फायर किए गए, पब्लिक ने सामने से आकर रिटेलिएट किया और जाकर मुजाकरात करने की कोशिश की, मैंने अपने आंखों से देखा है कि पुलिस ने वहां पर दरख्तों को आग लगाई, हमने अपनी आंखों से देखा, वीडियोस बनाई हैं हमने, तो ये मैं आपको वहां तक की बात बता रहा हूं, मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में क्या हुआ, बुरहान इंटरचेंज पे ये हुआ कि पुलिस वाले खुद आग लगा रहे थे। देखिए आप बड़ी अच्छी बात की आपने, यही रुक जाओ जी, मैं ये कहता हूँ कि ये फुटेज आप दे दें, मैं उन पुलिस वालों के खिलाफ मुद्दई बन के मैं मुकदमा करूंगा, बहुत जबरदस्त। जिस तरह आपने इंटरचेंज में फुटेज बनाया, इस तरह से प्राचा साहब ने बात की है कि हर आदमी के हाथ में कैमरा है, हर आदमी के हाथ में, तो ब्लू एरिया के जो 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 रेड जोन है वहां जिसने आग जलाई तो अपने साथी रिपोर्टर को बता दी, वहां की भी वीडियो पेश करे, क्या ये पॉसिबल है? मुझे मुस्लिम लीग नून की मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इस अफरा तफरी के दौर में जो पीटीआई के लोग अफरा तफरी नारे कर रहे थे, वहां कोई मुस्लिम लीग नून का बंदा हो सकता है जो दरख्तों को आग लगा ले? ये भी थोड़ा सा देख ले। और फिर मैं सुप्रीम कोर्ट से सवाल कर रहा हूँ कि अगर ये आग पीटीआई के लोगों ने नहीं जलाई है तो उसका जिम्मेदार कौन है? वेरी राइट, इसका जिम्मेदार कौन है? तमाम अदारे मौजूद थे, तमाम मीडिया मौजूद थी,
एजेंसियां मौजूद थी। आखिर ये आग किसने लगाई है? क्योंकि आग, मैंने दोबारा रिपीट करता हूँ कि जंग के सूरतयाल में दरख्तों को आग नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाई जाती। हाँ जी, रेड जोन में आग लगाने वाला ये इंतहाई घिनौनी साजिश है, घटिया हरकत है जिसने भी की, बहुत गलत हरकत की। अहमद जवाद साहब, इलेक्शन 2022 में 2023 में सर, ये तो अब इलेक्शन 2023 में ही नज़र आते हैं। एक तो हुकूमत बड़ी पुरेतमाद नज़र आ रही है, और दूसरा मैं समझता हूँ कि 25 मई को जो इमरान नियाज़ी का लॉन्ग मार्च और जो धरना था, वो उनकी सियासी मौत का मैं समझता हूँ कि आगाज़ हो चुका हो। तालबा हमारा ये है कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह के हमने मंजर देखे इस्लामाबाद के अंदर, अब फेडरल कैपिटल के अंदर, और ऐसा लग रहा था कि जंग ज़दा इलाके के अंदर हम मौजूद हैं, तो उन्होंने जो भी मिस हैंडल करने की कोशिश की है, मेरा तो ख्याल है कि मुकदमा उनके खिलाफ भी होना चाहिए, जिन्होंने अटैक किया उनके खिलाफ भी और जिन्होंने रिटेलिएट किया उनके खिलाफ भी। ये बड़ा अफसोसनाक मनाजर थे। मैं तमाम मौजूद मेहमान से बहुत माजरत के साथ, क्योंकि वक्त की थोड़ी सी किल्लत थी, आइंदा इंशाल्लाह लंबी गुफ्तगू रखेंगे, लंबी हम नशिस्त रखेंगे, उसमें तफसीली बातचीत होगी। डॉक्टर फरीद प्राचा साहब का बहुत शुक्रिया, अहमद जवाद साहब का बहुत शुक्रिया, और कादर मंदोखेल साहब का बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही, जमील फारूकी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।